ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਨਮੀਆ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਮੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ। ਨਮੀਆ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। उसका नाम माइनक्राफ्ट है और उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि केमिस्ट्री को लेके मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर बनाया है और बायो को लेके मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है और साइबर सिक्योरिटी और एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब हमें पानी को बचाना चाहिए। और एक बहुत अच्छा वर्ल्ड मैंने बनाया है, मैजिकल वर्ल्ड ऑफ बुक्स, जो एसडीजी गोल्स पर इवॉल्व करता है और उसके लिए मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इसके लिए मुझे दिल्ली में इनवाइट किया था यंग इनोवेटर समिट में, जहाँ पे मैं अपनी जर्नी से शेयर करूँ मिस्टर सत्य नडेला और मिस्टर अनंत महेश्वरी के सामने, जो सीईओ है और प्रेजिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है। तो जैसे ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे बच्चों को किताब से पढ़ने में मज़ा नहीं आता और कुछ लोग जैसे समझ नहीं आता उनको, तो मैंने एजुकेशन को फन लर्निंग में मिक्स किया है ताकि उनको समझ आए और उनको मज़े से समझ आए और उनको इंटरेस्ट हो पढ़ने में। तो जैसे उसका विजुअल एस्पेक्ट स्ट्रांग होता है क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा समझ नहीं आता, देखने से ज़्यादा समझ आता है, इसलिए फिर मैंने माइनक्राफ्ट को यूज़ किया। ਦਰਅਸਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਮੀਆ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਨਮੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੋਨਿਕਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। मेरी बेटी नाम्या जोशी, जो सतपाल मित्तल स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती है, उसको दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में यंग इनोवेटर समिट जो माइक्रोसॉफ्ट ने करवाया था वहां पे इनवाइट किया गया था, जहां उसको उसने अपनी जर्नी को सब बच्चों और स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ साझा किया, जहां पे सीईओ माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला और प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया मिस्टर अनंत महेश्वरी भी उपस्थित थे। और उन्होंने, मिस्टर सत्य नडेला ने इसकी तारीफ की कि इसने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, दूसरे लोगों के साथ भी बांटा है और दूसरे लोगों को इंस्पायर किया है कुछ नया करने के लिए, कुछ नया इनोवेट करने के लिए। दूसरे बच्चों के लिए ये संदेश है मेरे अनुसार कि सोशल मीडिया पे और आपके कंप्यूटर पे बहुत सारी गेम्स हैं, अगर आप वाइजली अपने टाइम को यूज करते हो और टाइम मैनेजमेंट करते हो तो कोई भी गेम को आप पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ाती है, तो नामिया ही नहीं कोई भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। The software is Minecraft and ये almost हर बच्चा दुनिया का फोन पे खेलता है। तो बच्चे को मेरे ख्याल से ये सिंपल तरीका जो मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी पढ़ा है बच्चे, पेरेंट उसको बस वो गेम खेलने दे और उसके बोलो कि जो भी पढ़ा है उसको उस गेम के थ्रू पढ़ाने की या समझाने की कोशिश करो, एंड आई थिंक वो बच्चा कभी भी वो कॉन्सेप्ट लाइफ में नहीं भूल सकता। तो
क्या संदेश देते हो आप और भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जैसे ये बच्चा छोटी उम्र का बच्चा है? मेरे ख्याल से बच्चे को स्पेस दीजिए, बच्चे की जो रुचि होती है उसको देखिए और उसे बढ़ावा दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप बच्चे को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने देते हो किसी चीज के साथ। जब आप किसी को स्पेस देते हो बच्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, एंड एक बच्चे के कारण अगर 20 बच्चे इम्पैक्ट हो सकें तो क्यों ना हो। आई थिंक एनकरेजमेंट और मोटिवेशन जो चीज है वो अगर आप बच्चे को दे सको, मेरे ख्याल से बच्चा वंडर्स कर सकता है। ये बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? ये जूनियर स्कूल में आया था एंड ये हमारे साथ काफी साल रहा, अभी 7 साल हो गया, 8 साल। सो मैं आपको यही बता रही हूँ, हमारे स्कूल में एक जो सबसे खूबसूरत चीज है कि हर बच्चे को हम खेलने देते हैं जैसे वो खेलना चाहता है। ये जरूरी नहीं है कि एक टाइपकास्ट में सब बच्चा होना चाहिए। तो अगर आप हर बच्चे को उसकी इंडिविजुअलिटी के से लेते हो, उसको वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको प्यार देते हो, ऐसा दुनिया का कोई बच्चा नहीं है जो खिल नहीं सकता। बस उसे वो प्यार चाहिए, उसे वो एनकरेजमेंट चाहिए, उसको वो मोटिवेशन चाहिए। अजीत दे लई लुधियाना तो रुपेश की रिपोर्ट। वधेरे खबरां दे लई तुसी बने रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।